दोस्तों फाइनली मैं आपके लिए वो खुशखबरी लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, रोलेक्स रिंग आईपीओ को लेकर ये वीडियो होने वाली है, जिसमें रोलेक्स रिंग आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस कैसे आपको चेक करना है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट वीक ही आपको रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ आते हुए देखने को मिला था। अगर इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि रोलेक्स रिंग आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस था वो 130 टाइम्स था, यानी कि 130 टाइम्स, यानी कि 130 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब्ड हुआ था, या यूं कहूं कि ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। तो आगे मैं आपको इस आईपीओ का स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, साथ ही साथ स्टेटस आउट हो चुके हैं या नहीं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और इसी के साथ चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोलेक्स रिंग्स आईपीओ से जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। रोलेक्स रिंग्स आईपीओ के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर जो शेयर्स ऑफर किए गए थे उनका क्वांटिटी भी आप यहां पर देख सकते हैं। टोटल रोलेक्स रिंग्स आईपीओ के अंदर यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 28,42,778 शेयर्स ऑफर किए गए थे, और यहां पर हमें जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिला है वो यहाँ पर 130 गुना यह आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। साथ ही साथ अगर रोलेक्स रिंग्स आईपीओ को लेकर कुछ टाइम टेबल्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपके सामने आपके साथ यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद हम यहां पर रोलेक्स रिंग आईपीओ के स्टेटस के ऊपर चलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि रोलेक्स रिंग्स आईपीओ जिसकी आज के दिन अलॉटमेंट आपको देखने को मिलने वाला था, और फाइनली वो दिन आ चुका है और फाइनली वो वक्त भी आ चुका है जहां पर कंपनी ने यानी कि रोलेक्स रिंग्स का यहां पर आपको आईपीओ का अलॉट यहां पर मिला है या नहीं वो यहां पर चेक करने का वक्त आ चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है तो यहां पर मैनी कांग्रेचुलेशंस आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं भी हुआ है तो आपका जो फंड था यानी कि जो आपने आईपीओ के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, जो आपका ब्लॉक हुआ था अमाउंट, वो कल के दिन आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो कल आपको उसका रिफंड यहां पर मिलते हुए देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप सभी फैमिली मेंबर्स को रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ यहां पर मिल चुका होगा। अगर नहीं भी मिला है तब भी आपको यहां पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगस्त के मंथ में भी बहुत ज़्यादा आईपीओ यहां पर आने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल से कंटिन्यूसली प्रोवाइड करी जाएगी। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, रोलेक्स रिंग्स आईपीओ का स्टेटस आप दो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर पाएंगे, जिसमें एक है बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ ही साथ एक और जो लिंक इन टाइम की वेबसाइट है जहां पर रोलेक्स आईपीओ के यानी कि रोलेक्स रिंग्स आईपीओ का जो स्टेटस है, अलॉटमेंट का स्टेटस, वो यहाँ पर आउट हो गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन कर रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां पर फर्स्ट लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जब तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस वहां पर खुलेगा, आपको सिंपली यहां पर नीचे इशू टाइप का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इशू टाइप के ऑप्शन में आपको इक्विटी सिलेक्ट कर लेना है। इक्विटी सिलेक्ट करने के बाद में तीन ऑप्शन आपको और दिख रहे होंगे यहाँ पर, इशू नेम, एप्लीकेशन नंबर और पेन नंबर। सबसे पहले आपको इशू नेम के ऊपर यानी कि सिलेक्ट करना है यहाँ पर अपने आईपीओ का नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको नीचे एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है। जब आपने आईपीओ के लिए अपना अलॉटमेंट लगाया होगा तब आपको एक एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर मिला होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहां पर मेंशन करना है। उसके बाद सिंपली आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद में आपको नीचे आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे जो सर्च का ऑप्शन है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रोलेक्स रिंग्स के आईपीओ का स्टेटस आपके सामने विजिबल हो जाएगा।
साथ ही साथ रोलेक्स रिंग आईपीओ के यहाँ पर अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करी जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अगस्त 2021 यानी कि आज के दिन का 450 रुपये निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ प्राइस रखी गई थी वो 900 रुपये रखी गई थी, 900 रुपये की कट ऑफ प्राइस प्लस ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि 450 रुपये। तो यहाँ पर आपको जो इसकी लिस्टिंग है जो कि यहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो 1350 रुपये पर देखने को मिल सकती है। रोलेक्स रिंग का आईपीओ सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेटस देखने को मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर जो एक और ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रार की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको यहाँ पर स्टेटस आउट होने के बाद देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक करना है और यहाँ पर रोलेक्स रिंग आईपीओ का नाम आपको मेंशन करा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली उस नाम को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पर आप अपने पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीपी क्लाइंट आईडी या फिर अकाउंट नंबर, चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, डेफिनेटली आपको भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिल चुका होगा। अगर आपको रोलेक्स रिंग आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको आईपीओ नहीं भी मिला है तो हम आपके लिए आईपीओ से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे ताकि आप और भी आईपीओ को यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ और काफ़ी शानदार अर्निंग कर पाएँ। तो चलिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।